7th-8th November की रात को हम अहेड ऑफ दी AOIS डोमिनेट कर रहे थे ACP एम्बुश कम पेट्रोलिंग, मतलब हमको एक फेंसिंग चेक करते हुए जाना होता था और एक खास पॉइंट पे जो टाइमिंग दिए हुए टाइमिंग पे डोमिनेट करना होता था। तो हम एक पोस्ट है हमारा टावर 3 MMG पोस्ट, उससे जैसे ही 200 मीटर आगे की तरफ बढ़े दो बंदे दिखे हमको जो कि नीचे की तरफ नाले की तरफ भागे, तो हमने उनके ऊपर फायर किया। लेकिन काफ़ी अंधेरा था और उस दिन टेम्परेचर भी -10-15 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, तो हम बाकी का अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि और भी मिलिटेंट हैं यहाँ पे छुपे हुए, जो 10 से 12 थे, जो 3-4 ग्रुप में अलग अलग जगहों पे बैठे हुए थे। फिर उन्होंने ब्रश खोला, जो इनको सुदीप सरकार गाइड में चल रहे थे, इनको करीब करीब 18 गोली और कुछ ग्रेनेड स्प्लिंटर का इंजरी भी पैर में लगा। उनसे हमने बात भी करा था तो पूछा कि आप हिल सकते हो क्या, बोला सर बिल्कुल हिल नहीं सकता हूँ, मेरे सामने बैठा हुआ है, इस तरफ आप लोग मत आइएगा, इसको मैं देखूँगा। और बाकी जो दो फ्लैंकिंग से फायर हो रहा था उसकी तरफ हम लोग डिवाइड होकर उधर भी रिटेलिएट किया। ये करीब 4:30 बजे तक चला, उसके बाद करीब आधे घंटे तक फायरिंग बंद हो गया, फर्स्ट लाइट भी आ गया और हमारे पास 18 मद्रास की सपोर्ट वाली पार्टी भी आ गई। तो हमने जब सर्च किया तो वहाँ पे सुदीप सरकार का दिवंगत शरीर पड़ा हुआ था, और एक जगह पे उनसे करीब 1 मीटर की दूरी पे जस्ट बगल में एक मिलिटेंट भी वहीं पे मरा हुआ पड़ा था। इसके बाद फर्दर हम लोगों को काफ़ी, किसी को चोट लगा हुआ था, किसी का हाथ फट गया था, किसी के पूरे कपड़े फट गए थे, ठंड के कारण मतलब खड़ा होने का हालत नहीं था, तो हमको वापस किया गया। और फर्दर जो 18 मद्रास की पार्टी थी उन्होंने उस ऑपरेशन को आगे कॉर्डन कर दिया। सर आपका नाम एंड डेजिग्नेशन? नाम एंड डेजिग्नेशन सर, सब इंस्पेक्टर अनुराग। आप कहाँ में थे उस टाइम, कहाँ में था पोस्टिंग? कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये? जम्मू एंड कश्मीर माछिल सेक्टर, 53 इन्फेंट्री ब्रिगेड के अंदर ही है। आज क्यों आए सर? आज हम यहाँ पर कूच बिहार में इसलिए आए कि हमारे एक भाई और हमारे एक कांस्टेबल सुदीप सरकार, जिसने कि 2019 में कुपवाड़ा में बहुत ही बहादुरी के साथ में मिलिटेंट के साथ में लड़ते हुए दो मिलिटेंट को मारा, और साथ में ही अपने पूरे साथियों के सहयोग से काफ़ी देर तक उनसे लड़ता रहा। उसने टोटल मिला के 37 राउंड फायर किए और अपने साथियों को भी बचाया, और उसके साथ में ही अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पूरे देश का नाम ऊंचा किया। उसके इस बहादुरी के काम से जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनको 15 अगस्त 2022 में कीर्ति चक्र से नवाजा है, कि जो कि दूसरा इंडिया में सेकेंड नंबर का हाईएस्ट अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम और डिजिग्नेशन सर? मैं ब्रिगेडियर RS रावत, DIG गोपालपुर, और ये मेरी 169 बटालियन है, इनके CO ये हैं, इनसे बात कीजिए, इनके अंडर में इनके अंदर। सर क्या हुआ था उस दिन? ऐसा हुआ था कि कुपवाड़ा में उसमें 169 बटालियन डिप्लॉयड थी। 7-8 नवंबर की रात्रि की बात है, हमारा एक ACP पार्टी निकला बाहर अपने एरिया को डोमिनेट करने के लिए। इन लोगों ने दो मिलिटेंट को देखा भागते हुए, उस पर फायर किया इन लोगों ने। उसके बाद दिन पे तीन तरफ से फायर आने लगा, 10-12 मिलिटेंट थे वो, जो तीन अलग अलग जगह पे थे और डोमिनेटिंग पोजीशन पे थे। जो हमारा कांस्टेबल सुदीप सरकार है, ये इस अपनी पार्टी को लीड कर रहा था, और इसको इसके स्प्लिंटर इंजरी इसके पैर में हो गई थी, उसके बावजूद बहुत बहादुरी से इसका जो पटका है वो निकाल करके इसने अपने पैर को बांधा, और वहाँ पर टैक्टफुली काउंटर करता रहा मिलिटेंट का। ये एक मिलिटेंट को मारा इसने, और 47 राउंड टोटल इसने फायर किया वहाँ पे, और 4 बजे सुबह के आसपास तक ये लोग रिटेलिएट करते रहे मिलिटेंट्स को, उसको डोमिनेट नहीं होने दिया अपने ऊपर। बाकी जो दो हमारे एक सब इंस्पेक्टर भी थे साथ में और एक हमारा हेड कॉन्स्टेबल भी था।